उसके इंतजार में मेरे बाल भी बढ़ गए हैं। बहुत ही गंदे वाला प्रैंक हमने इनका मोटे तरीके से बनाया है आज। आप ब्लॉग हमारा खराब कर रहे थे, हमने भी आपका ब्लॉग खराब कर दिया। फॉलो करता मुझे, फॉलो। तो जंगल में बढ़िया शूट करेंगे और हिंदी हो गए बॉस, हिंदी आ देखेंगे। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो मैं गिरीश पंडित आ गया हूँ अपना एक और नया व्लॉग लेके। वेल डन। और अभी मैं हूँ नहरा में और वेट कर रहा हूँ मेहुल भाई का। तकरीबन एक घंटे से वेट कर रहा हूँ और उसके इंतजार में मेरे बाल भी बढ़ गए हैं सिर के। अरे कहना क्या चाहते हो। तो अभी कंटिन्यू वेट कर रहा हूँ और बंदे का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है कि कहाँ पहुँचा हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था कि बोलो भाई मैं घर से निकल गया हूँ, पर बंदा अभी तक दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। चूतिया बनाया तुमको। उसका वेट तो करना ही पड़ेगा। और आज देख सकते हैं आप धूप निकली है वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी। जो धूप निकली है वो बहुत ज्यादा सेक्सी निकली। मालूम है तेरे बाप को मत। सामने मेरे है पार स्कूल, एक वहाँ आप लोगों को दूर से दिखाई दे रहा है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो। तो ये है सामने पार स्कूल और इंतजार हो रहा है उसी बंदे का और पता नहीं कब आएगा यार। मैं थक चुका हूँ इंतजार करते करते। ऐसा भी कैसा इंतजार हो गया। वेट करते हैं बंदे का, आ जाएगा थोड़ी देर में ठीक है, नहीं तो एक कॉल मार के। अब ऐसा करता हूँ ना, एक कॉल और मार लेता हूँ और देखता हूँ बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मस्त प्लान है। दोस्तों मैं अभी जिस बंदे की बात कर रहा था ना, तो इतना वेट कराने के बाद अब जाके पहुँचा है बंदा। लगभग एक घंटा मैंने कंटिन्यू वेट किया और पहुँचा। अब भी देखो गाड़ी लगा दी आगे। ऐसा नहीं कि पीछे रुक जाऊँ यार, मेरे को बैठने में दूर नहीं भाई, आगे एटीट्यूड मोटा ही। ए भाई जी वो बंदे देखो जिन्होंने मेरे को कराया है बड़ा गंदा वेट। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मन तो करा गाड़ी देने का और एक कॉपीराइट देंगे मेरे व्लॉग में, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई जी मेरे को कॉपीराइट नहीं चाहिए। और पीछे से गाड़ी आ रही है, गेट में बैठता हूँ। खुलो महाजो। नहीं बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी है क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है। ये मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों को गाड़ी खराब हुई है। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि बंदे उतर रहे हैं बाहर और कहते बोले आवाजें आ रही है। आवाजें कई प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती। तो मुझे झटका लगा अभी। चल झूठा ताकि से ये गाड़ी खराब है ऐसा भी नॉलेज वाली बात है, ये बताओ बंदों को। दोस्तों तो ये देखिए आप बंदे को बोलो कहते पत्थर फंसे वो निकालने। कैसी आवाज आ रही भाई इससे पटपट की। पता है क्या सीन होता है यार, मतलब टक 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 की आवाज आ रही है। What? तो क्या होता है कि जो ये देखो इसमें सांचे है ना दोस्तों, ये बीच बीच में, तो इसमें ना पत्थर फंस जाता है, तो उससे जब टायर घूमता है ना तो थच 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 थच। अरे कहना क्या चाहते हो। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिखाओ देखो यहाँ पे पास आके दिखाओ। ये ना ये देखो गुस्सा हुआ है ना भाई अंदर। ये देखो तो इसको ना निकालना पड़ता है सिस्टम से थोड़ा ना ऐसे, अगर नहीं निकाले तो टायर भी खराब हो जाता है और थच 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 कुछ गलत ही आवाज आती है। दोस्तों देखिए थच थच की आवाज बहुत गलत मानी जाती है। की आवाज रात को अच्छी लगती है, दिन को ये आवाज बिल्कुल अच्छी लगती है। सही पकड़े हैं। तो फिर इस आवाज को स्किप करते हैं यहीं पे और पत्थर पत्थर निकालते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं दोबारा। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अति गंदे वाला प्रैंक हमने इनका मोटे तरीके से बनाया है आज। ऐसा था कुछ कि हमने कुछ भाई को एक झांसा दिया कि हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, वीडियो कुछ बनाने जा रहे हैं। दरअसल सीन ऐसा है कि आज हमारा थोड़ा पार्टी वाला सीन बना है, तो हम पार्टी करने जा रहे हैं। तो इस बंदे का बहुत बुरे तरीके से बन चुका है दोस्तों। चूतिया बनाया तुमको। नेक्स्ट डे दोस्तों हो चुकी है एक नई सुबह और मैं पहुंच चुका हूं मतियाना में। मतियाना आप लोगों को मैं बता दूं, मतियाना है ठियोग से आगे। दोस्तों इस लड़की का बहिष्कार करिए। रितु खुंड आपको इंस्टाग्राम पे नाम मिलेगा, रिपोर्ट करें। दोस्त हो गए वो झूठ बोल रहे हैं। रितु खुंड के अकाउंट पे फॉलो करना, मुझे फॉलो करना ठीक है। बढ़िया अच्छे से रिपोर्ट किया जाएगा। और मैं आप लोगों को मतियाना के बारे में बता रहा था। मतियाना है वो ठियोग से आगे एक जो प्लेस पड़ता है तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे है। और मतियाना बहुत ही अच्छी जगह, मैं आप लोगों को मतियाना जगह दिखाता हूँ पहले कैसी है। तो ये है मतियाना और साथ में हमारे आ चुके हैं हमारे डायरेक्टर साहब। मजा नहीं आ रहा है। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं और शूट की तैयारी। आज हम जो मेन मतियाना आने का हमारा रीज़न था वो था कि हमें यहाँ पे एक वीडियो शूट करनी है, तो अभी वीडियो शूट करेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम रखेंगे। तो आप लोगों को दिखा देते हैं, लोग यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। सामने दिखाई दे रहे हैं कुछ भाई और भाई लोग। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम हुए एक जगह पे, मतलब धूप सेकने के लिए मैं आया हूँ क्योंकि मेरे को ठंड लग रही, तो मैं धूप सेकने आ गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और बाकी देखो सारे जुंडू परे खड़े हैं, इन सब का नाम है जुंडू। और इनके बीच इंसान तो मैं ही हूँ, एक मतलब शरीफ आदमी मैं ही हूँ। और अभी मतियाना के एक जगह में पहुँचे, यहाँ पे मतलब नाले में जैसे एक शूट था
वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। बंदों ने पीछे गाड़ी स्टार्ट कर दी है, इनका तेल है अपना क्या जा रहा है। मेरी वजह से ठोक भी दिया, कोई सीन नहीं, जो का देखा जाएगा सीन, तो अभी कंटिन्यू चले रहते हैं। अभी हम आ चुके हैं एक जगह में शूट करने के लिए, घड़ा कुफर कहना क्या चाहते हो, घड़ा कुफर इस जगह का नाम है, और एक कॉटेज में रुके जिसका नाम है डिवाइन। तो आप लोगों को मैं कॉटेज दिखाता हूँ। पहले तो ये है वो कॉटेज जहाँ में शूट करना है, और सामने देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। हाँ दोस्तों, तो जंगल की शूट है, तो जंगल में बढ़िया शूट करेंगे, और साथ में अपने हैं अपने 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 कुश भाई। और भाई लोग यहाँ पे है, और ये रहा आपका कॉटेज। अंकल जी को भी दिखा दो थोड़ा। और ये है अंकल जी जिनका ये कॉटेज है, ओनर है इसके। नाइस अंकल जी, एक हेलो तो बनती है यार ब्लॉग में, एक हेलो था एक हाय तो बनती है। हो चुकी है शाम, और अब हम अभी है शूट पर। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। जी हाँ, शूट एक दिन का लेके चले थे, और तीन दिन कब लग गए ये पता नहीं चला। तो अभी फिलहाल हम एंडिंग की ओर जा रहे हैं, जो लास्ट में एक शूट बचा है, बाकी हमने सारे शूट ले लिए हैं। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। और अभी हम आख दे मामा, नहीं बंदे से मिलवाते हैं दोस्तों आपको, जो कि ऐसा डरावना बंदा है ना, कि कैसा डरावना बंदा है। मिलिए भूत से, और कुछ कुछ काले काले लोग भी इसमें हैं, और कुछ गोरे गोरे लोग भी इसमें हैं। होने जा रहा है एक लास्ट शूट और फाइनल शूट, और इसके बाद ना हम शूट ही निकलेंगे घर को। तो भी शूट लेते हैं गेट गेट में, और उसके बाद निकलने की तैयारी रखते हैं, क्योंकि अब ठंड भी बहुत हो चुकी है। और दोस्तों ये जगह एक ऐसी जगह है ना, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। जो पीछे आप लोगों को मेरे घर दिखाई दे रहे हो, इस घर में हम रुके थे रात को, तो अभी घर निकलेंगे आराम से। और पेड़ों के बीच है ना, हवा बड़ी सेक्सी आ रही है, चलते हैं। हिंदी हो गई आवाज, हरामी हो। तो जी हाँ दोस्तों, शूट से आ चुका था मैं वापस, और पहुंच चुका हूँ घनाटी, और अगला दिन भी शुरू हो चुका है। और इस अगले दिन के साथ मैं व्लॉग का एंड करने आ चुका हूँ। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी मैं हूँ दिवेंदर भाई के साथ इनकी शॉप में, जो कि है घनाटी में। और घनाटी का नज़ारा आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है घनाटी, जो कि मात्र शिमला से है तकरीबन 14 किलोमीटर आगे। तो अभी यहाँ पहुँच चुका हूँ, यहीं से मेरा घर है कोई 5-7 किलोमीटर आगे घर होगा। तो जो जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे हो, प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से फॉलो करना, मुझे फॉलो। रितु खून।